पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हेयर एंड फॉर सेलिब्रेटिंग विद अस। एंड सेकेंडली, ये तस्वीर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लोज है, बिकॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड उनका परफॉर्मेंस मैंने कहीं पे देखा था, और मेरी कुछ बातचीत हुई और हमारी दोस्ती बढ़ी, और जाके आज चचोट आज हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा एक कॉन्सेप्ट निकला था, एंड आई डोंट नो, कुछ विजन्स होते हैं जो पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं, कुछ फिल्म्स में देखा होता है, तो बिकॉज आई हैव डायरेक्टेड इट ऑल्सो, सो आई नो ऑल द एंड रिटन इट ऑल्सो, सो कुछ पंचेज होते हैं जो शायद मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएंगे, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। और तस्वीर जो कॉन्सेप्ट है वो यू नो, एक गाना था बचपन में परदेस वाला, ज़रा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, तो वो जो गाना था वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूमता है, बिकॉज शाहरुख सर इज़ माई फेवरेट ऑलवेज। सो वो वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आई कैन ट्राई टू मेक समथिंग विच आई हैव टू शो, बिकॉज एक फिल्म तरीके से मैं शूट करता हूँ, आई एम शूटिंग फिल्म ऑल्सो, सो आप पूरी फिल्म की स्टोरी एक 5 मिनट के गाने में नहीं दिखा सकते, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट करूँ, और कोशिश यही की है कि तस्वीर में सब लोगों को पसंद आएगा और तस्वीर की तस्वीर सबके दिलों में छप जाएगी। सी, प्रियंका हैज़ ऑलरेडी डन सो मच ऑफ वर्क, और इनका भी ऑलरेडी मैंने गाने देखे थे, लीड की एक ऐसी तलाश थी हमें, तो बिकॉज सॉन्ग में अपोजिट में आई वॉन्ट समथिंग वेरी क्यूट एंड इनोसेंट फेस जो इनके अंदर बहुत फूट फूट के भरा है, तो वो हुआ। और एंड सरप्राइजिंगली आई मस्ट से दैट योगेश जी जिन्होंने भाई का कैरेक्टर किया है, वो मुझे कॉन्फिडेंस तो था उनके ऊपर, बट ये दोनों मेरे लिए एक साइलेंट किलर थे, यू नो, बिकॉज एज अ डायरेक्टर व्हेन यू फील लाइक दैट कि आप किसी भी एक्टर से आप वन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से गियर में एक्टिंग करा सकते हो, बट आई डोंट नो कि वो लोग कौन से गियर में करेंगे, बट व्हेन आई हैव सेट लाइट कैमरा एक्शन दोनों के कैमरे में, मतलब लाइक प्रियंका इवन योगेश जी, इन लोगों के लिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी एफर्ट, बिकॉज इन बिल्ट शायद उन लोगों ने इतना काम कर रखा है पहले, तो जब आप एज अ डायरेक्टर एज एन एक्टर ऑन फ्लोर होते हो तो यू हैव लेस अमाउंट ऑफ टाइम टू परफॉर्म टू गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर द सीन्स, एंड मुझे लगता है कि अगर मैंने ज़रा सा भी इन एक्टर्स को बताया तो उन लोगों ने बखूबी उस चीज़ को उस फील को पकड़ के परफॉर्म किया, एंड एवरी इमोशन इवन आई मस्ट से चाहे प्रियंका का है, चाहे योगेश जी का है, चाहे शहजाद का है, चाहे दिलकश का है, इन सारे कैरेक्टर्स ने एक एक इमोशंस को अपनी आंखों में लेके आके परफॉर्मेंस दी है, जिससे एज अ डायरेक्टर मुझे आई गेस 1 टेक या 2 टेक शॉट्स में ही ओके हुआ, सो आई मस्ट से आई एम वेरी लकी। या जी सी, बिकॉज ये मेरा कुछ 8th और 9th सॉन्ग है एज अ डायरेक्टर एक्टर, आई प्रोड्यूस ऑल्सो, बट एज एन एक्टर डायरेक्टर आई हैव जस्ट स्टार्टेड शूटिंग वन फिल्म जिसकी अभी लास्ट प्यार में कुर्बान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बट मुझे चैलेंजिंग लगता है, एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स, और बिकॉज एज एन एक्टर आप शॉट देते हो वैनिटी में चले जाते हो, शॉट देते हो मेकअप रूम में चले जाते हो, बट वो मौका एज अ डायरेक्टर आपको नहीं मिलता है, तो आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ बिजी सो मच सो दैट कि मुझे कहीं पे भी ऐसा मौका ना मिले कि मैं बहुत फ्री बैठा हूँ, तो अगर मैं 12 घंटे शूट कर रहा हूँ तो एज अ डायरेक्टर मेरा 15 आवर्स का शूट हो जाता है, एंड आई लव वर्किंग एंड आई लव बींग ऑन सेट, तो वो जो भूख थी एज एन एक्टर की वो बहुत बढ़ गई थी मेरी, तो अब वो भरी हुई भूख को मैं कैसे मिटाता, तो फिर मैं डायरेक्शन में आ गया, सो दैट इज़ द थिंग। तस्वीर में इन्होंने मुझे कहा ये गाना, मुझे बोला कि ये सॉन्ग है, मुझे गाना सुन के बोले हाँ मैं ज़रूर करूँगी, मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये सॉन्ग, ऊपर से तस्वीर जो है इस वर्ड में ही बहुत कुछ कहानियाँ हैं तस्वीर में, और इन्होंने जो बताया है तस्वीर को इस जरिए तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और इनकी हार्ड वर्किंग तो क्या ही कहूँ मैं, ऑन स्क्रीन और बैक स्क्रीन, तो एक्चुअली आई ऑलवेज ट्राई टू मेक समथिंग विद द क्वालिटी पर्पज, एंड इवन नॉट एज अ डायरेक्टर एंड एज अ एक्टर वॉज ऑन सेट, मैं म्यूज़िक पर भी बहुत ज़्यादा बैठा हूँ, और इतना काम करके शायद कुछ फिल्म्स करके शो करके सारी चीज़ें मुझे म्यूज़िक का थोड़ा बहुत सेंस होने लगा है, तो उस वजह से चाहे उसमें वायलिन डालना है, चाहे गिटार डालना है, चाहे फ्लूट डालना है, कहाँ पर क्या डालना है, तो वो थोड़ा नॉलेज की वजह से, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट ऑल्सो, तो आई रिटन इट डायरेक्टेड इट एंड सैट ऑन म्यूज़िक ऑल्सो, दैट्स व्हाई। जी राइट इन प्रोडक्शन ऑल्सो, वन मनामी।
एक्टिंग कर रहे तो ठीक है, जब यहाँ पे आते हैं तब इनका व्यवहार कहाँ पर बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही फ्रेंडली होता है। ऐसे नहीं कि एटीट्यूड है बात नहीं करूँगा ऐसे ब्ला ब्ला, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ ऐसे कभी नहीं कहा। She always try to make families. कहना है एक्टिंग करनी है एक्टिंग में फोकस, डायरेक्शन करना है डायरेक्शन में फोकस, बस ऐसे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मुझे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, मेरे ठीक है समझ गई। It's about I always say that I don't make films, I don't do films, I always make families. और मैं यही environment रखता हूँ, I never yell on set. मेरी most of the crew की जो मेरी assistants हैं वो mostly females हैं, तो I always have that environment, friendly environment के हमारी female lead भी बहुत ज़्यादा secure feel करें. So always I try to make families, तो इसलिए वो environment रखता हूँ। तो शायद मैंने चिल्लाया नहीं मैंने कोशिश भी नहीं की, बिकॉज काम ऑलरेडी सबका बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ रहा था। yeah. जी 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 या मैं मेरी खुद की गलती, मैं खुद ही एक्शन बोल रहा हूँ, खुद ही कट बोल रहा हूँ, एंड मुझे पता है कि मुझे कहाँ कट करना है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क यू नो टू बीइंग ऑन सेट, बिकॉज आई हैव इनटू प्रोडक्शन आल्सो, हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोडक्शन लेवल व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप होमवर्क करके जाओ, क्योंकि हमने इसकी बहुत ज़्यादा वर्कशॉप भी की है, आई गेस हार्डली मैंने सुना होगा कि गाने के शूट की वर्कशॉप होती होगी, बट मैंने 2 दिन की वर्कशॉप आई गेस रखी थी, 1 दिन की रीडिंग 1 दिन की वर्कशॉप। तो उसमें ही मैं मुझे पता होता है कि व्हाट होमवर्क आई एम गोना डू एंड व्हाट आई एम गोना डू ऑन सेट। तो मुझे बहुत तैयारी करके साथ आप जाओगे, तो मैं एक थॉट है विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो भले ही हमने वो 3 घंटे की वर्कशॉप की, बट हमें पता था एग्जैक्टली कि हमें वहाँ जाके करना क्या है। ये मुंबई में ही हुई है, एंड लास्ट वीक वी शॉट, इवन रशियन विला में था पूरा शूट, और स्टार्ट टू एंड आई फिनिश द सॉन्ग इन आई गेस 15 आवर्स। सी अभी वी आर गोइंग ऑन द डील्स, माइट बी इट विल कम ऑन ज़ार फिल्म्स एंड म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस का भी जो है, और वी आर गोइंग, इफ़ वी आर गोइंग विद अ गुड डील वी विल गिव द सॉन्ग टू जी ऑल्सो। सो बहुत 2 या 3 ऑप्शंस हैं, इट इज़ कमिंग ऑन ईद एंड आई गेस 29 डे आफ्टर टुमारो, सो सबको ईद मुबारक पहले ही बोलूँगा मैं। और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि जब इंशाल्लाह ये गाना आए तो लोग इतना ही प्यार दें मुझे जितना शायद ऑफ स्क्रीन मिलता है लोगों से। ईद के मौके पे ये गाना आने का कुछ खास वजह? नहीं, कुछ खास वजह तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई ना कोई रीज़न ढूंढता हूँ मैं, और इफ़ आई एम गेटिंग समथिंग वेरी स्पेशल टू माय हार्ट, बिकॉज आई गेस आई लॉस्ट माय डैड 6 मंथ्स बिफोर, एंड उस वजह से मेरे लिए फेस्टिवल्स थोड़े ज़्यादा भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, एंड आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग दिस ईद विथ माई मदर। तो मैं चाहता था उनको कि एक गिफ्ट दूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ अभी, तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न क्योंकि फेस्टिवल पे फॉर द माई फैंस, फॉर ऑल द ऑडियंस, आई फील लाइक यार इस गाने में वो प्योरिटी है, वो गाने में वो सादगी है जो इस गाने में तस्वीर में देखने को मिली, तो शायद पीपल कनेक्ट करेंगे एंड इमोशंस टच होंगे, दैट्स द रीज़न। प्रियंका, आपका ओपिनियन ईद के मौके पर? बड़ा सरप्राइज मिल रहा है। ऑब्वियसली ईद का मौका है, हॉलीडे है, और यहाँ इस मौके पे आप रिलीज कर रहे हो, तो इससे इससे बड़ी क्या बात है, इट्स अ ब्लेसिंग। अच्छा, आप दोनों का एक्सप्रेशन जो था वो बहुत कुछ उसमें एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि बहुत वर्कशॉप के 2 दिन ठीक है, एंड उसके बाद व्हेन यू डोंट नो द पर्सन दैट मच, तो आई गेस मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, तो अभी वापस एक और गाना करेंगे तब आप बता सकेंगे शायद हम लोगों का गियर अप हुआ है। राइट राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली, आई वी गोना कीप दैट इन माइंड। बहुत ही प्यारा था, बहुत ही फ्रेंडली बिहेव था इनका सेट पे हर जगह, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई ये करके। एक्टर पसंद है या डायरेक्टर? ये दोनों का कैरेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है ना, तो एज अ डायरेक्टर भी बोल सकती हूँ, एज अ एक्टर भी बोल सकती हूँ।
जुबेर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे केमिस्ट्री आप दोनों में? नहीं, प्रियंका प्रियंका के साथ मुझे मैं आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेर एवर आई वॉज आई यूज टू वर्क इन टेलीविजन ऑल्सो एंड इन फिल्म ऑल्सो, अभी 5 to 6 films आर कमिंग अप, न्याय भी आ रही है, तो मुझे मैं ऑलवेज ट्राई टू मेक फैमिलीज एंड मैं चाहता हूँ कि वहाँ बहुत फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रह के काम किया जाए, हंसी मजाक रह के काम किया जाए, तो मैं उन्हीं एक्टर्स के साथ प्रेफर करता हूँ जिससे मैं जेलअप हो सकूँ, जिनके साथ हंसी मजाक करके काम हो जाए, सो दैट आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ पिकनिक ऑन सेट. और प्रियंका के साथ में यही था, इवन शी इज़ वेरी सेटल, उनको क्लियर है, उनका विजन क्लियर है, मैंने बताए थे सीन्स, रीडिंग हुई थी हमारी, तो मैंने गाना सुनाने के बाद भी बताया था कि ये इमोशंस है, हमने वर्कशॉप की तो उसने पकड़ लिया, दैट्स द थिंग. तो और एक डायरेक्टर जब आई हैव रिटन दिस स्क्रिप्ट ऑल्सो, स्क्रीन प्ले ऑल्सो ऑफ द सॉन्ग, तो अगर आपने लिखा है और आपको पता है कि एक एक शॉट आपके दिमाग में ऑलरेडी एज अ डायरेक्टर रिलीज हो चुका होता है, वो चीज़ में अगर कोई एक्टर आपका उसको कोऑर्डिनेट करके परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतना बता रहा हूँ, सामने वाला एक्टर इतना कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट द प्रियंका ऑल्सो, इट्स अबाउट योगेश जी ऑल्सो, यू नो द वन हु हैज़ प्लेड भाई. मैं तो सरप्राइज था बिकॉज आई थॉट कि उनका सेकेंड या थर्ड टाइम कैमरा फेसिंग है, बट ही हैज़ माइट बी डन सो मच ऑफ वर्क एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब एज अ विलन, अगर आप विलन स्ट्रांग नहीं होता है तो हीरो की वैल्यू ऑलरेडी कम रहती है, तो आई गेस वहाँ पर मुझे वेटेज मिला, इसी वजह से विलन इतना सुपर्ब था तो हीरो का फुटेज निकलता है, दैट्स व्हाट एज अ डायरेक्टर विजन आई फील लाइक. एंड इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था एंड आई वेरी हैप्पी. मुझे, मैं जब एडिट पे बैठा था तो मैं सिर्फ उनकी आंखें देख रहा था कि यार दिस गाय इज नेलिंग विद हिज आईज मैन, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उनका इमोशन उनकी आंखों में था. तो इवन आई मस्ट से वो चश्मा लगा के भी जो सीन किया है उसमें भी फेस के एक्सप्रेशन उनके बहुत ज्यादा कैरी किए हुए. तो जो प्रियंका, योगेश जी ऐसे एक्टर्स मिलेंगे, शहजाद ने अच्छा काम किया, दिलकश ने अच्छा काम किया है, नुपुर दे जो वाइफ का कैरेक्टर किया, तो जब टीम इतनी अच्छी होती है तो एज अ डायरेक्टर आपका काम आधा हो जाता है, राइट. एंड बीइंग आफ्टर बीइंग एन एक्टर, बीइंग कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टर, आपको पीछे की चीज़ें बहुत सारी समझ में आती हैं जो मुझे एज एन एक्टर पहले नहीं समझता था, मैं सिर्फ नोट करता था. बट येस, हे लॉट ऑफ प्रेशर डायरेक्टर गोज ऑन, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी डायरेक्टर हु हैव आई हैव वर्क विद सोफा, एंड मैं कोशिश यही करूँगा कि ऐसे ही काम करूँ, लोगों को एंटरटेन करूँ और ऐसे ही फैमिली बनाऊँ, राइट. रोने का चैलेंजेस था. ओह माय गॉड, यार मस्ट से दैट, मस्ट से दैट. रोने का बहुत चैलेंजेस. इफ अंकित इज सिटिंग देयर, माय एडिटर. इमोशन, राइट. मुझे बिल्कुल, मुझे रोना आता ही नहीं, मैं जब भी वो हंसती रहती हूँ, मस्ती करती रहती हूँ सेट पे, पता है बहुत मस्ती करती हूँ मैं. जब रोने का सीन था, ये कह रहे थे प्रियंका रो, प्रियंका रो, जितना रोने की कोशिश करूँ उतना ज्यादा हंसी आती थी मुझे. So I've given a glee also, but she has managed it. Yeah, but yeah, difficult was her crying. वो set पे उनको रोना और बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी. चलिए, viewers से कुछ appeal करना चाहेंगे? ये गाना देखिए, तस्वीर बहुत प्यारा खूबसूरत सा गाना आने वाला है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी, आप जरूर देखिएगा. इट्स अ वेरी सिंपल हार्ट टचिंग स्टोरी और जो लोगों को शायद कनेक्ट करेगी, और मुझे पर्सनली ये गाना बहुत पसंद है. मेरी फिल्म्स का भी जितने भी गाने हैं उनके अलावा, अगर मैं तो सच में बता रहा हूँ आपको, दिल से ख्वाहिश थी मेरी कि ये गाना मैं किसी फिल्म में डाल दूँ कि इतना अच्छा गाना बन गया, बट नो, ये गाना शायद मैं फिल्म में इतना अच्छा नहीं पिक्चराइज कर पाता या होता जितना ये म्यूज़िक एल्बम के रूप में बाहर आ रहा है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लव दिस सॉन्ग एंड लव द लिरिक्स, love the wordings, love the music and love me. Thank you. न्याय द जस्टिस की डील हो चुकी है, मैं OTT नहीं बताना चाहूँगा, बट येस आई एम कन्फर्मिंग दिस दैट वन गुड, वेरी गुड OTT हैज़ टेकन द फिल्म एंड पूरी नेगेटिव हो चुका है और उस पर ऑलरेडी फाइनल डेट आनी है उस OTT से, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड टच वुड. उसके अलावा मोटल है शाशा राम से जी की, फिर एक और फेटल फिनिश की है मैंने, फिर डैम ग्रेवियर्ड आ रही है, राजीव वालिया की धड़के दिल बार बार है, फिर प्यार के काबिल है पार्थुदा की जिसमें राजेश शर्मा है मेरे साथ, तो आई गेस 5 to 6 फिल्म्स आर कमिंग अप. आई एम शूटिंग डायरेक्टिंग सॉन्ग्स ऑल्सो एंड 2 more प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग. आई एम मोस्टली साइनिंग 1 South फिल्म ऑल्सो, तो अभी वो भी कर लिया तो साउथ भी करके देखूंगा. तो या विश मी लक एंड आई होप फॉर्चुनेट फॉर मी एंड हैप्पीनेस फॉर मी ऑलवेज. या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इन्होंने बहुत ही पीसफुली चीज़ों को समझाया जिसकी वजह से हम लोग एक्टिंग कर पाए एक्चुअली में.
एक एक सीन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसा उन्होंने कहा, तीसरी चौथी बार मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, बट जो चीज़ खूबसूरती से आप समझा दें तो फिर उसके बाद तो समझ में अपने आप आ जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा। यही मैं ऐसे वैसे भी मैं न्यू कमर हूँ, अभी मैंने एक दो काम ही किए हैं, तो मेरे लिए तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस ही था। और ज़ुबैर के साथ फिर वो जिस तरीके से उसने कूली सब कुछ समझाया किया, तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने, यही कहूँगी मैं। और कूलेस्ट मतलब डायरेक्टर, जो वो एक्टर तो है ही है, डायरेक्टर भी उसने काफ़ी अच्छे से समझाया चीज़ें, वर्कशॉप किया, तो इजी रहा मुझे करने में, कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा ऐसा ऐसा अभी से। यार योगी जी, आप दोनों की कैसी केमिस्ट्री रही, कैसे सर? हमारा इनका बहुत ज़्यादा सीन नहीं था। कैसे नहीं, भैया भाभी कोई और थे, हम तो पति पत्नी थे महाराज। भैया भाभी तो कोई और थे, हाँ हम लोग पति पत्नी थे। तो एकाक सीन मैडम का है हमारे साथ, और एक सीन है जैसा आप लोगों ने देखा होगा, बट परफेक्ट जो भी इन्होंने दिया है परफेक्ट दिया है। ज़ुबैर ने ऑलरेडी जो है क्लासेस ले रखी थी, अब वो क्लासेस आप कैसे भी समझिए, ले रखी थी उसने बहुत अच्छे से, रिहर्सल करवाया था, तो इसलिए परफेक्ट दिया। एक दो सीन से ज़्यादा रीटेक पूरे गाने में नहीं हुआ। सर दोनों बराबर है, जितना वो डायरेक्शन में भी था उतना वो एक्टिंग में भी था। भाग के पीछे आके वो स्क्रीन भी देखता था, फिर वो जब एक्टिंग करने जाता था तो बिल्कुल एकदम उसी हिसाब से वो एक्टिंग करता था एज अ एक्टर। जितना डेडिकेशन दे सकता था वो देता था ज़ुबैर, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। मेरा नाम दिलकश खान है। मेरा नाम है शहजाद खान, और मैं कास्टिंग भी हूँ और एक्टर भी। मैं ज़ुबैर भाई ने मुझे अच्छा काम दिया यहाँ पे, और इससे पहले मैंने ज़ुबैर भाई के साथ में प्यार में कुर्बान एक फिल्म किया, उसमें भी मैंने रोल किया है और कास्टिंग भी किया है। बाकी ज़ुबैर भाई है मेरे फैमिली जैसे, बड़े भाई जैसे है। बहुत मतलब सेट पर हम लोग को ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब वन टेक में हम लोग काम किए। एक दिन रिहर्सल हुआ हम लोग का, और एक दिन हम लोग का हुआ है ना, और ये भाई भी मेरे साथ अच्छे से काम। यस, बड़े अभी जल्द हम लोग 2 साल से साथ में हैं, लेकिन फैमिली जैसे हमारे एकदम क्लोज हो गए हैं। तो कास्टिंग भी देखने को और एक्टिंग भी किया, और हम लोग रिहर्सल जिस दिन किए थे हम लोग को सीन मालूम हो गया था कि ये सीन है ऐसा करना है, तो ज़ुबैर भाई जैसा बताते जाए हम लोग वैसे उनको सीखने को मिला हमको। पहले तो मैं सब मीडिया को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम दिलकश खान है। मैं काफ़ी टाइम से टीवी सीरियल कर रहा हूँ, यानी कि मैं 100 टीवी सीरियल से ज़्यादा कर चुका हूँ। और अभी मैं मेरे एन टीवी का शो चल रहा था बाबा साहब अम्बेडकर, और अभी मैं जी टीवी का शो कर रहा हूँ। तो उस दौरान शहजाद भाई का कॉल आया था कि एक तस्वीर नाम का सॉन्ग है और आपको उसमें एक्ट करना है। तो मैं ये बहुत मुझे अच्छा लगा यार, तस्वीर नाम का सॉन्ग है और इस सॉन्ग में अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। तो इन्होंने बोला कि आपकी करेंट लुक की पिक भेजो मुझे। मैंने भेजा तो बोला कि यार यही लुक चाहिए मेरे को, और ऑलरेडी मैं ये लुक में काम कर रहा था, जो अभी मेरा शो चल रहा है जी टी वी पे, मैत्री करके आएगा, अभी भी टेलीकास्ट हो रहा है। मैंने भी 30 सॉन्ग्स किए हैं जी म्यूज़िक। तो उसके बाद से मैं शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे ज़ुबैर भाई का, जिन्होंने इस तस्वीर जैसे सॉन्ग में मुझे कास्ट किया। और रही बात एक्सपीरियंस की, कि मैं उनके साथ मतलब कैसा मुझे फील हुआ शूटिंग करने के दौरान, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जब से मतलब एक्टिंग 2016 से मैं कर रहा हूँ टीवी शो, मेरी मूवी भी आ रही है, खुदाई हिंदी फिल्म आ रही है, और अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड फिल्म आने वाली है। तो ज़ुबैर भाई के साथ मैंने काम करने का मुझे, मैं कभी कभी फ्लैशबैक में जाता था, मुझे ऐसा लगता था रोहित शेट्टी मतलब अभी जो चल रहा है, यंग डायरेक्टर चाहिए एक इंडस्ट्री को, यंग डायरेक्टर ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ुबैर भाई कि जिस तरीके से वो डायरेक्शन भी कर रहे थे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो शॉट लेने के बाद वो पीछे आ गए तो मैं उनसे पूछने लगा, भाई ये शॉट ओके? बोले तो आप तो बाद में मेरे को, अभी जब मैं देखा तो मुझे लगा नहीं, ऐसे यंग डायरेक्टर की ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में। और मैं उनके साथ काम करके बहुत खुश हूँ, और मैं आगे भी चाहूँगा कि ज़ुबैर भाई के साथ में जो भी फिल्में आए तो
तो उसमें काम करूँ। और मेरी टीम जो है थी हमारे आगे प्रोजेक्ट, देखिए आगे फिल्म तो वो किस्मत की बात है, बट जो हम उनके साथ काम किए मेरा एक्सपीरियंस रहा अच्छा रहा, क्योंकि हर कोई दिल से तारीफ करता है। मैं ये चाहूँगा जो मेरी टीम थी पूरी टीम, टेक्नीशियन से लेकर के प्रोडक्शन से लेकर के शहजाद भाई कास्टिंग डायरेक्टर से बाकी योगेश जी प्रोड्यूसर, तो सबके साथ मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। योगेश जी हमारे यहाँ इस सॉन्ग से प्रोड्यूसर, और हमारी फिल्म भी आगे आ रही है अभी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पलाश दत्ता। मैं पिछले 28 सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ मॉडल एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, और पिछले 26 ईयर्स से कास्टिंग भी कर रहा हूँ। और 6 सालों पहले मैंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी, 6 साल पहले, आई एम फाइन अनंत महादेवन जी के साथ। और दूसरी फिल्म प्रोड्यूस की थी रेणुका शाहने के साथ, साइलेंट आइज। और हाल फिलहाल एक महीने पहले शरद मल्होत्रा, मैं, आकांक्षा पुरी और प्रवीणा देशपांडे जी एक फिल्म की है जिसको मैंने प्रोड्यूस किया है और लिखा भी है, कॉल थैंक्स मॉम, जिसके प्रीमियर में मैं जुबैर से मिला था। जुबैर का ऑफकोर्स वी नो ईच अदर फ्रॉम सो लॉन्ग, बट पहली बार वी मेट पर्सनली, एंड आई हैव सीन जुबैर्स वर्क ऑन टीवी, एंड यू नो जुबैर रिमाइंड्स मी ऑफ मार्क जुबैर ऑफ दोज डेज, हिज पर्सोना, हिज, और जुबैर का एक सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि दैट ही इज़ अ वेरी genuinely warm person, and that warmth shows on screen as an actor, wo translate karte on screen as an actor, which is a very good quality, because har ek actor emotional hota hai, aur emotions agar sahi aap pakadte ho aur screen pe darshate ho to usse badi baat aur kuch ho nahi sakta hai। aur pehli baar maine Zubair ka skill dekha as a director, and I'm really amazed, as he rightly said, it's a one man army, because एक्टिंग एक अलग पर्सपेक्टिव है, डायरेक्शन एक अलग पर्सपेक्टिव है, और जब क्योंकि मैंने खुद एज अ प्रोड्यूसर भी काम किया, मैं स्पॉट बॉय भी बना था, मैं एक्टर एज अ राइटर भी मैंने काम किया है, कास्ट भी किया है उस फिल्म में, तो मुझे पता है कितनी मेहनत वाली एक काम होती है, एंड टू से एंड द थिन लाइन बिटवीन सेइंग कट एंड एक्चुअली परफॉर्मिंग। तो जुबैर एज अ डायरेक्टर जो इमोशंस पकड़े हैं इस सॉन्ग में, सॉन्ग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सोलफुल है, सुनने में बहुत ही प्लेजेंट है, एंड सॉरी प्रियंका, राइट, प्रियंका आल्सो डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सो जुबैर, हैट्स ऑफ टू यू एंड ऑल द कास्ट। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आई वुड से, एक कहावत है इंग्लिश में, इफ द कास्टिंग इज राइट हाफ द बैटल इज वन, तो कास्टिंग वॉज ब्रिलियंटली डन विद ऑल द नेगेटिव गाइज, एंड ऑफकोर्स द वन हु प्लेड प्रियंकाज ब्रदर्स रोल, विच इज हाफ द बैटल वन, विच इज अ वेरी गुड थिंग, एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू जुबैर फॉर द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो, एंड इट रीचेज एंड ब्रेक्स ऑल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, एंड हैप्पी ईद जुबैर इन एडवांस टू यू, एंड विशिंग यू अ सक्सेसफुल करियर अहेड बोथ एज अ डायरेक्टर, एंड प्लीज कास्ट मी ऑल्सो, यू नो, प्लीज कास्ट मी ऑल्सो। हाँ, ये तो आने ही वाला था, वाइस वर्सा, या सो यू नो वी शुड शेक हैंड्स एंड ब्रश लक टू ईच अदर की एज एन एक्टर भी मुझे काम मिले और मैं भी तुम्हें कास्ट करूँ। सो एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग, एंड थैंक यू मीडिया फॉर सो मच लव एंड वॉर्म्थ। एंड मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग एक्चुअली कल होने वाली थी यहीं पर ये, पर मैंने कैंसिल किया बिकॉज बारिश। पारुल चावला मेरी इवेंट हैंडल कर पहले भी कर चुकी है, तो पारुल कर रही थी कल, बट कैंसिल किया मैंने। शायद अगले, हाँ शायद अगले हफ्ते 7 तारीख को रख रहा हूँ यहीं पर ही। तो एक माँ बेटे की कहानी है और LGBTQ थीम है उसमें, क्योंकि ये प्राइड मंथ चल रहा है, तो उस कहानी में मैंने माँ बेटे के इमोशंस को पिरोया है। तो प्लीज़ आइएगा अगर फ्री हो तो आप लोग, पारुल तो इनवाइट करेगी आप लोगों को, सो थैंक यू। हाँ सॉरी, हाँ एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू ऐड और ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल हाय, मेरा नाम है साजिद बुबेरे और मैं एक एक्टर हूँ। मैंने भी काफ़ी गाने कर चुका हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 10-12 गाने किया हूँ। 4 गाने मेरे जी पे आ गए और मेरे अभी 2 गाने रिलीज़ पर है। वेल आज मैंने तस्वीर जो एक गाना देखा जुबैर भाई का, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मतलब जो इसकी स्टोरी है बहुत टचिंग है और गाना भी बहुत अच्छा है,
तो बस यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट जुबेर भाई फॉर द सॉन्ग। एंड जब ये एक इमोशनल स्टोरी है और उसमें ये दर्शाता है कि जब इंसान मर जाता है तो एट द एंड तस्वीर ही रह जाती है हमारे पास, तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया है इस स्टोरी में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना। और आई थिंक ऑडियंस को भी ये गाना बहुत पसंद आएगा। और लीड जो कास्ट है प्रियंका जुबेर, ब्यूटीफुल कास्ट, दे हैव डन अमेजिंग वर्क। यस, एक हीरो और हीरोइन के ऊपर ही एक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है, सपोर्टिंग कास्ट भी लगते हैं एक गाने में और हर एक प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड ईच एंड एवरी कास्ट इन द सॉन्ग डंडर हैव गिवन द बेस्ट ऑफ वर्क। सो आई विश ऑल द बेस्ट एंड मे दिस सॉन्ग रीच मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज। थैंक यू, थैंक यू सर।